हनु लिव्ड इन अ लार्ज हाउस विच हैड अ गार्डन विद अ लिली पॉन्ड इन इट। हनु एक बड़े से घर में रहता था जिसमें एक बगीचा था और उस बगीचे के अंदर एक तालाब था। उस तालाब को लिली पॉन्ड इसलिए कहा गया है कि उसमें लिली एक फूल का नाम है, वो वाले फूल उगे हुए थे उसके अंदर। द पॉन्ड हैड अ जामुन ट्री फुल ऑफ फ्रूट ड्यूरिंग द सीजन। इसका मतलब है कि तालाब में एक जामुन का पेड़ था, फुल ऑफ फ्रूट मतलब उसमें फल भरे हुए थे। ड्यूरिंग द सीजन जब मौसम आता था तो उस पेड़ पर फल लगे रहते थे, इतने फल होते थे। मैनी मंकीज केम देयर टू ईट द फ्रूट बिकॉज दे वर सो टेस्टी। बहुत सारे बंदर हैं जो वहाँ आते थे फल खाने के लिए क्योंकि वो इतने स्वादिष्ट होते थे। हनु लव्ड टू सिट इन द वरांडा एंड वॉच द मंकीज व्हेन दे केम। हनु वहाँ पर अपने वरांडा में बैठकर, उसे बहुत पसंद था वहाँ पर बैठना और सारे बंदरों को देखना जब वो वहाँ आते थे। वन डे एक दिन एज ही वॉच्ड जब वो देख रहा था, अ ट्रूप ऑफ मंकीज अराइव्ड, एक बंदरों का बड़ा सा झुंड आया। देयर वर ओल्डर मंकीज, यंगस्टर्स एंड मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम। ओल्डर मंकीज मतलब बूढ़े बंदर, कुछ बूढ़े बंदर आए, कुछ यंगस्टर्स यानी कि जवान बंदर, और मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम का मतलब कुछ माँ बंदरे थी जिनके साथ उनके बच्चे उनके साथ चिपके हुए थे। दे ऑल हैड अ फीस्ट ईटिंग द फ्रूट टिल दे वर फुल। उन सब ने पूरी पार्टी मनाई जब तक कि उनका पेट नहीं भर गया और उन्होंने खूब सारे फल खाए। ऑल दी ओल्डर मंकीज वर एंजॉइंग देयर नैप आफ्टर द मील, मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग बंदर थे वो खाना खाने के बाद आराम से अपनी दोपहर की झपकी ले रहे थे। सम यंगस्टर्स वर प्लेइंग अक्रॉस द ब्रांचेस एंड चेजिंग वन अनदर। कुछ यंग मंकीज यानी कि कुछ जवान बंदर थे वो बार बार खेल रहे थे डालियों पर, ब्रांचेज मतलब डालियाँ, पेड़ की डालियों पर झूल झूल कर खेल रहे थे, चेजिंग वन अनदर और भाग भाग कर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। सडनली वन वेरी टाइनी मंकी हु हैड बीन स्लीपिंग होल्डिंग ऑन टू हिज मदर गॉट डिसलॉज्ड बाय द यंगस्टर्स रनिंग अप एंड डाउन। सडनली मतलब कि अचानक से एक बहुत ही छोटा सा बंदर का बच्चा जो कि सो रहा था अपनी मम्मी को पकड़ के कसकर, वो क्या हुआ, गॉट डिसलॉज्ड। डिसलॉज्ड मतलब वो अपनी मम्मी से अलग हो गया इन बंदरों के ऊपर नीचे करने से, क्योंकि वो भाग भाग कर डालियों को हिला रहे थे इसलिए वो उससे माँ से अलग हो गया। द लिटिल मंकी फेल विद स्प्लैश इन टू द पॉन्ड। छोटा सा बंदर का बच्चा चारों तरफ छींटे मारते हुए तालाब में गिर गया। स्प्लैश का मतलब होता है छींटे गिराना। हिज मदर वोक अप विद अ स्क्रीच एंड दैट अवोक ऑल द अदर्स टू। उसकी माँ फटी आवाज में जोर से चीखते हुए एकदम से उठी, उसकी आवाज से बाकी सब बंदर भी उठ गए। द मंकीज जम्प डाउन एंड स्टार्टेड चैटरिंग एंड वेलिंग। सभी बंदर नीचे कूद गए और जोर जोर से अपना बातें करने लगे, कुछ बकबक करने लग गए और रोने लग गए। द मदर वॉज ट्राइंग टू फिशर बेबी आउट ऑफ द वॉटर एंड द बेबी वॉज फ्लेलिंग हिज पॉज डेस्परेटली। जो माँ थी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अपने बच्चे को पानी से बाहर निकाल लूँ, और जो बच्चा था वो बुरी तरह से अपने पंजे फड़फड़ा रहा था। हनु सॉ ऑल दिस एंड इन अ फ्लैश ही रैन एंड गॉट टू लॉन्ग बैम्बू स्टिक्स। हनु ने ये सब देखा और इन अ फ्लैश का मतलब होता है पलक झपकते ही, मतलब एकदम से एक पल में, तो तुरंत ही एक ही पल में वो गया, भाग कर गया और दो लंबी बांस की छड़ी ले आया। ही वेंट टूवर्ड्स द पॉन्ड, वो तालाब की तरफ गया। मंकीज कैन बी वेरी वायलेंट, जो बंदर होते हैं वो बहुत हिंसक हो सकते हैं, मतलब आप पर हमला कर सकते हैं। एंड मोस्ट एनिमल्स विल अटैक पीपल इफ दे आर फ्राइटेंड, ज़्यादातर जानवर लोगों पर हमला करते हैं अगर वो डरे हुए हों। सो हनु यूज्ड वन स्टिक विद हिज लेफ्ट हैंड टू चेज अवे द मंकीज एज दे केम क्लस्टरिंग अराउंड हिम टू प्रोटेक्ट देयर बेबी। हनु ने एक स्टिक को यूज़ किया, एक छड़ी को यूज़ किया अपने उल्टे हाथ में ताकि वो उससे बंदरों को भगा सके, चेज अवे मतलब उनको भगा सके, क्योंकि वो आ गए थे उसकी तरफ, चारों तरफ जमा होने लग गए थे झुंड बनाकर, क्योंकि उनको डर था कि ये हमारे बच्चे को अटैक करने ना आया हो, टू प्रोटेक्ट देयर बेबी, अपने बच्चे को बचाने के लिए। हनु केप्ट वन आई ऑन देम एंड पुश्ड द अदर स्टिक इनटू द पॉन्ड क्लोज टू द बेबी मंकी। हनु ने एक नज़र उन पर रखी बंदरों पर कि वो उस पर हमला ना कर दें, और दूसरी छड़ी को तालाब के अंदर डाल दिया, क्लोज टू द बेबी मंकी मतलब जहां पर वो बच्चा था उसी के पास। द बेबी ग्रैब्ड द स्टिक, जो बच्चा था उसने छड़ी को पकड़ लिया। स्लोली हनु लिफ्टेड द बेबी ऑन द स्टिक एंड पुट द स्टिक नियर हिज मदर। धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, जो हनु था उसने उस स्टिक के ऊपर बच्चे को उठा लिया और उस स्टिक को उसकी माँ के पास रख दिया। शी ग्रैब्ड द बेबी एंड द मंकीज क्लटर्ड अराउंड हर। उसने बच्चे को पकड़ लिया और जो बाकी के बंदर थे चारों तरफ, उसी के चारों तरफ बिखर गए। हनु रैन बैक टू द वरांडा वेयर हिज ओन टेरिफाइड मदर वॉच्ड द होल इंसिडेंट। हनु बरामदे की तरफ भागा जहां उसकी अपनी खुद की डरी हुई माँ ये पूरी घटना को देख रही थी। शी टू हग्ड हर काइंड एंड ब्रेव लिटिल बॉय। उसने भी अपने छोटे से दयालु और बहादुर बच्चे को गले लगा लिया।
दोस्तों, अगर आपको इस तरह से इंग्लिश सीखना अच्छा लगता है और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।